देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? एक सिंगल अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है जो कि अनपेयर्ड, मतलब पेयरिंग, जैसे बल्ब सेमिनल वेसिकल्स देख रहे थे हम, पेयर्ड फॉर्म में था। बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड फॉर्म में है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, वो क्या है? अनपेयर्ड है। ओके, जो कि अब जैसे हमने देखा था सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल्स का जो फ्लूड था वो 60 to 70% पार्ट था सेमेन का, तो बचा हुआ क्या था? प्रोस्टेट ग्लैंड। 20 to 30% ऑफ द सीमेन इज अ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, अब ये इसका नेचर कैसा होता है? जो सेमेन रहता है इसका वो एल्कलाइन नेचर का होता है, हैंस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन इन द यूरिथ्रा। जो यूरिथ्रा में एसिडिटी प्रेजेंट होती है यूरिन के थ्रू, तो वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन एल्कलाइन नेचर से न्यूट्रल हो जाता है। एसिड को न्यूट्रल कौन कर सकता है? एल्कलाइन नेचर। तो बस एल्कलाइन नेचर का यदि सेमिनल प्लाज्मा, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोस्टेट का जो फ्लूड होता है, सीमेन होता है, वो एल्कलाइन नेचर का होता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है यूरिन के नेचर को। सीक्रेशन कंटेन्स, इसके सीक्रेशन में क्या होता है? कैल्शियम प्लस सिट्रेट फाइब्रिनोलाइसिन कॉपर्स ग्लैंड पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड है कॉपर्स ग्लैंड, जो कि पेयर्ड फॉर्म में, ये देखा था अपन ने, ऐसे बल्ब के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स थे, यहाँ पे प्रोस्टेट है, यहाँ बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, इट्स सीक्रेशन हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। इसका हेल्प क्या करता है, किस हेल्प, किस काम में आता है? तो इसका काम है लुब्रिकेशन। अब हम पेनिस के बारे में देखेंगे। पेनिस क्या होता है? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है क्या? पेनिस। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंसेमिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ सेमन इन टू द बॉडी ऑफ फीमेल। फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए, स्पर्म्स ट्रांसफर करने के लिए क्या काम में आता है? पेनिस। ट्रू पेनिस इज फाउंड इन रैप्टल्स एंड मैमल्स। ट्रू पेनिस जो कहाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती है? रेप्टाइल्स और मैमल्स में मिलती है। ओके, अब TS मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन देखने वाले हैं इस पेनिस का। तो पेनिस में ये ऊपर, ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ दिख रहा है, इसको क्या है, क्या बोल रहे हैं? कॉर्पस कवरनोजा। और ये जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। एक टाइप के टिश्यूज़ हैं, इसको अपन ने ट्रांसवर्स, जैसे ये है तो इसको ट्रांसवर्स सेक्शन इस साइड से अपन इसको चेकआउट कर रहे हैं ऐसा रख के, है ना। फिर अपन देखने वाले ये यूरिथ्रा का पार्ट है। तो यूरिथ्रा का काम क्या होता है? यूरिन और स्पर्म दोनों कैरी करता है यूरिथ्रा। ठीक है, ग्लांस पेनिस का काम क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोजम एट द टिप ऑफ पेनिस। पेनिस के टिप पे कॉर्पस स्पॉन्जियोजम का एनलार्जमेंट क्या होता है? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस फिर फोर स्किन ऑफ प्रिप्यूज प्रेजेंट होता है, जो कि कवरिंग ऑफ ग्लांस पेनिस एंड इन रिट्रैक्टल फोल्ड्स ऑफ द स्किन। जो रिट्रैक्टल फोल्ड्स होते हैं स्किन के, वो क्या होते हैं? फोर स्किन होते हैं पेनिस की। जो कवरिंग होती है ग्लांस पेनिस की, जो उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, उसको बोलते हैं फोर स्किन। फिर आया प्रिप्यूटल ग्लैंड्स और ग्लैंड्स, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो की होती है कहाँ? ऑकर्स विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। कहाँ? टेस्टिस के, ये टेस्टिस है, यहाँ पे हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो इस यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और कहाँ बन रहे हैं? ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में। फिर हम देखेंगे इनकी जर्मिनल एपिथीलियम, जिनकी आउटर मोस्ट लेयर में हम देखे थे कुछ जर्म सेल्स प्रेजेंट थे, तो उनको क्या बोल रहे हैं? जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम किससे बने होती हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम हैविंग एबिलिटी टू मियोसिस आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्म मदर सेल्स। यहाँ जर्मिनल एपिथीलियम क्या होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम से बने हुए प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, जिसमें मियोसिस करने की वो होती है, नेचर होता है, जो कि जिनको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल्स। ओके, अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो इनिशियली क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होता है कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। वो डिवाइड करता है, माइटोसिस शो करता है, तो फिर से एक और बना लेता है सेल्स। फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या, इसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस रहती है, और एक जो सेल है वो आगे प्रोसीड करता है। फिर एक सेल से दो बने, तो एक ये बंद हो जाएगा और एक जो है आगे प्रोसीड करेगा। माइटोसिस हुआ और फिर डिफरेंशिएशन हुआ। फिर इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो फाइनली जब ये डेवलप, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसको बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें ये जो है मियोसिस शो करेगा। मियोसिस से क्या बना देगा? ये चार सेल्स बना देगा। चार सेल्स, ये इनको क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्मेटिड से क्या बन गया? स्पर्मेटोजुआ। ये स्पर्मेटोजुआ, अब जब तक ये मैच्योर्ड नहीं है स्पर्म्स, तो इनको बोलते हैं स्पर्मेटोजुआ। मैच्योर्ड स्पर्मेटोजुआ को क्या बोलते हैं?
स्पर्म्स है ना, फोर स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम द वन स्पर्मेटोसाइट। तो इसमें देख रहा है एक स्पर्मेटोसाइट से, वन स्पर्मेटोसाइट से कितने वन स्पर्म्स, फोर स्पर्म्स बने। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेजेस, तीन स्टेजेस होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मल्टीप्लीकेशन होती है, ग्रोथ होती है और मैच्युरेशन होती है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेज, यहाँ पे हमने देखा यहाँ क्या हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था है ना, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाइड हो रहे थे सेल्स अपने आप में। फिर उसके बाद हुआ ग्रोथ, ये देखो यहाँ पे इसके ग्रोथ होने लगा। फिर इसके लास्ट टाइम पे ये जो स्पर्म्स है इसका होगा मैच्यूरेशंस। तो तीन स्टेजेस में हुई स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्म्स होते क्या हैं, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं इन वन एजेक्यूलेशन। एक एजेक्यूलेटरी मटेरियल जो सेमेन होता है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। फॉर्चुनेटली 60% ऑफ स्पर्म्स शुड बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज, और 60% फर्टिलाइजेशन कम्प्लीट होने के लिए 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नहीं तो फिर अदर डिसीजेस का कॉज होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं होती है। ठीक है, अब स्पर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये उसका हेड पार्ट हुआ, ये नेक रीजन हुआ, ये मिडिल पीस हुआ और इसको टेल बोलते हैं। जो हेड पार्ट में जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम, और ये जो होता है प्रेजेंट इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ बोलते हैं यहाँ दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट क्लीवेज रिसीव सेंट्रियोल। तो पहला क्लीवेज होगा, बाद में उसके काम में आएंगे क्या ये सेंट्रियोल्स। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे जो फिलामेंट्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ग्रीन ग्रीन टाइप के, उनको बोल देते हैं एक्सियल फिलामेंट्स। और जहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। फिर ये है फ्लैजेला सीथ, ये फ्लैजेलर सीथ है जो कि जिसको हम टेल बोल रहे हैं। अब हार्मोनल कंट्रोल क्या होते हैं इसमें, हाइपोथैलेमस के थ्रू इसका हार्मोनल कंट्रोल होता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज़ किया, GnRH क्या होता है ग्रोथ रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। अब किसी भी चीज़ का ग्रोथ करवाने के लिए जो फैक्टर रिलीज़ करेगा वो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा GnRH। तो GnRH क्या एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो लाइडिक सेल्स पे एक्ट करेगा। लाइडिक सेल्स क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन